वेलकम विद न्यू लेसन टू एंड इनफ। ओके, हम टू एंड इनफ का यूज सेंटेंस में कहा करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी टू कहा होता है, यानी टू मीन्स क्या होता है। टू एंड एडवर्ब ऑफ एक्सेस, यानी टू जो होता है वो एडवर्ब रहता है, वो एक्सेस रहता है सेंटेंस में। मीन्स मोर देन इनफ, जितना है उससे भी थोड़ा ज्यादा, वो चीज के लिए हम टू यूज करते हैं। मीन्स काइंड ऑफ नेगेटिव भी शो करने के लिए हम टू का यूज करते हैं। इट ऑलवेज कम्स बिफोर एन एडजेक्टिव, यानी इन द सेंटेंस टू, यानी टी डबल ओ टू, ये हमेशा कम्स बिफोर एन एडजेक्टिव के पहले आते हैं। इसके लिए भी कुछ ऐसे फॉर्मूलेज दिए है। देखो फॉर्मूला, टू प्लस एडजेक्टिव वी टू प्लस वी वन। यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल, इट इज टू कोल्ड टू गो आउट। यहाँ पे सेंटेंस दिया है, इट इज द सब्जेक्ट हियर, इज इज हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ पे टू आया है, एंड कोल्ड इज द एडजेक्टिव वी टू। यहाँ पे देखो कोल्ड टू यहाँ पे एडजेक्टिव वी टू आया है, एंड गो इज द वी वन। मीन्स अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देखो ये सेंटेंस है ना, इट इज टू कोल्ड टू गो आउट। यहाँ पे यानी इट ऑलवेज कम्स बिफोर एन एडजेक्टिव। यहाँ पे भी देखो नेक्स्ट, दिस बुक इज टू डिफिकल्ट। यहाँ पे भी डिफिकल्ट इज द एडजेक्टिव, टू रीड इज द वी वन। या इस प्रकार से हम टू का यूज करते हैं यहाँ पे। अभी टू इसका दूसरा भी एक है फॉर्मूला, टू प्लस एडजेक्टिव विद फॉर नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के भी साथ आता है। देखो दैट इज टू, यहाँ पे टू आ गया। मच मनी फॉर अ बुक, अभी यहाँ पे बुक भी देखो एक तो नाउन भी हो प्रोनाउन भी है। लाइक दैट यहाँ पे ये यूज हो जाता है, यानी मीन्स एडजेक्टिव विद फॉर नाउन एंड प्रोनाउन, यानी टू के साथ ये यूज होता है। अभी तीसरा देखो, टू एडजेक्टिव्स विद फॉर्म नाउन एंड प्रोनाउन एंड टू वी वन। अभी टू जो एडजेक्टिव्स है ये नाउन और प्रोनाउन के लिए भी यूज यहाँ पे हो जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि दिस सूप इज टू हॉट, हॉट इज द एडजेक्टिव हियर है ना, एंड फॉर मी इज अ प्रोनाउन एंड टू ड्रिंक यहाँ पे दिया है। ओके, इस तरह से हम टू का यूज करते हैं सेंटेंस में, कहाँ में यूज करते हैं, टू का मीनिंग क्या होता है ये हम देखेंगे। और इसके साथ ही साथ में इनफ भी हमें कहाँ यूज करता है, लेकिन इनफ और टू के बीच में व्हाट इज द डिफरेंस क्या है और सिमिलैरिटी क्या है ये हम देखेंगे। लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन द टू एंड इनफ। फर्स्ट है, टू हैज अ नेगेटिव सेंस, हमेशा नेगेटिव सेंस में आता है, तो इनफ हमेशा पॉजिटिव सेंस में आता है। एंड इन द सेंटेंस टू कम्स बिफोर एन एडजेक्टिव, द इनफ कम्स इन द सेंटेंस कम आफ्टर एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इसमें आता है। अब इसमें दोनों में एक सिमिलैरिटी है कि यहाँ पे टेक टू प्लस वी वन, एंड यहाँ पे भी टू प्लस वी वन, इन दोनों में सिमिलैरिटी है। मीन्स टू मीन्स एक्सेस सेंस, यहाँ पे टू मीन्स एक्सेस सेंस हमें बता रहा है, तो इनफ हमें सफिशियंसी सेंस बता रहा है। यानी दोनों में ये डिफरेंस है, यानी क्या कि टू हैज अ नेगेटिव सेंस, इनफ हैज अ पॉजिटिव सेंस, एंड टू कम्स बिफोर एन एडजेक्टिव, एंड इनफ कम्स आफ्टर एन एडजेक्टिव, एंड टेक टू प्लस वी वन, इनफ में भी टेक टू प्लस वी वन, एंड टू हैज अ एक्सेस सेंस, एंड इनफ हैज अ सफिशियंट सेंस। इस प्रकार से लेट्स सी हाउ टू यूज इनफ, हम यूज इनफ कहाँ यूज करते हैं ये हम देखेंगे। लेट्स सी यूज ऑफ इनफ, हम इनफ कहाँ यूज करते हैं। ओके, शी इज क्वाइट ओल्ड, शी कैन ट्रेवल बाय हरसेल्फ, दिस इज अ एग्जाम्पल। ओके, शी इज क्वाइट इनफ, शी इज क्वाइट के यहाँ पे वर्ड्स निकाल के शी इज ओल्ड इनफ टू ट्रेवल, शी कैन ट्रेवल के यहाँ पे ये जो वर्ड्स है ये दोनों कट हो गए, यहाँ पे टू ट्रेवल बाय हरसेल्फ, यानी इनफ का यहाँ पे यूज होता है। द फ्रूट इज राइप, वी कैन पिक इट, यहाँ पे देखो यू आर ऑल इनफ, ये भी एक एग्जाम्पल हो गए यहाँ पे। द फ्रूट इज राइप, वी कैन यू कैन पिक इट, यानी यहाँ पे देखो
द फ्रूट इज राइट इनफ टू पीक इट. द फ्रूट इज राइट टू इनफ. वी कैन के जगह पे टू इनफ टू पीक इट. और यहाँ पे देखो यू आर टॉल इनफ टू रीच दैट पिक्चर. इस प्रकार से हम इनफ का यूज करते हैं. मोर एग्जाम्पल्स आर गिवन इन योर बुक. ओके लेट्स सी वन बाय वन. लेट्स सी एक्सरसाइज नंबर 14. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग टू. इट इज वेरी कोल्ड, वी कांट गो आउट. इट इज टू कोल्ड टू गो आउट. दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट, आई कांट रीड इट. दिस बुक इज टू डिफिकल्ट टू रीड इट. देखो यहाँ पे टू का यूज हमने देखे ना, टू और यहाँ यूज करना है इस तरह से. यहाँ पे इट्स को भी देखो इज इक्वल टू इट इज, यानी इट इज का शॉर्ट फॉर्म इट्स किया है. यहाँ पे अपोस्ट्रोफ भी इट को एस लगाया है. ओके इट इज वेरी फार, वी कांट वॉक. इट इज टू फार टू वॉक. इट इज वेरी स्टूपिड, ही कांट अंडरस्टैंड. ही इज टू स्टूपिड टू अंडरस्टैंड. दिस माउंटेन इज वेरी हाई, वी कांट क्लाइंब इट. दिस माउंटेन इज टू हाई टू क्लाइंब. इट इज वेरी गुड, इट कांट बी ट्रू. इट इज टू गुड टू बी ट्रू. इट इज वेरी डार्क, आई कांट सी एनीथिंग. इट इज टू डार्क टू सी एनीथिंग. दिस ड्रेस इज वेरी ओल्ड, आई कांट वियर इट एनी मोर. दिस ड्रेस इज टू ओल्ड टू वियर इट एनी मोर. इट इज वेरी हॉट, आई कांट गो आउट. इट इज टू हॉट टू गो आउट. दिस लेसन इज वेरी डिफिकल्ट, अ चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट. दिस लेसन इज टू डिफिकल्ट फॉर चाइल्ड टू अंडरस्टैंड इट. दिस म्यूजिक इज वेरी लाउड, वी कांट एंजॉय इट. दिस म्यूजिक इज टू लाउड टू एंजॉय. She came very late, the lessons were over. She came too late for the lesson. It's very small, this is a big room. It is too small for this room. The table is very big, this room is small. This table is too big for this room. This hat is very big, he's only a little boy. This hat is too big for a little boy like him. Now let's see exercise number 15. Second example, she is quite old. She can travel by herself. She is old enough to travel by herself. After a few minutes, the coffee was quite cool. He could drink. After a few minutes, the coffee was enough to drink. You are quite tall. You can reach that picture. You are tall enough to reach that picture. The fruit is ripe. We can pick it. The fruit is ripe enough to pick. The moon is very bright. I can read a book by it. The moon is bright enough to read a book by it. The wind is very strong. It will blow the roof off. The wind is strong enough to blow the roof off. That man is quite stupid. He will believe your story. That man is stupid enough to believe your story. You are quite old now. You should know better. You are now old enough to know better. I am very tired. I can sleep all night. I am tired enough to sleep a night. I have enough money. I can pay the bill. I have enough money to pay the bill. She had much sense. She turned off the gas. She had enough sense to turn off the gas. He had much courage. He admitted his mistake. He had enough courage to admit his mistake. We haven't enough time. We can't do it properly. I haven't enough time to do it properly. I haven't much patience. I could listen to him anywhere. I hadn't enough patience to listen to him anymore. Yahan pe dekho exercise number 16 given. Let's see how to solve exercise number 16. Theme is, these mangoes are so cheap that they cannot be too good. Yahan pe dekho too aur enough ka use karna hai hame, hai na. These mangoes are too cheap to be good. She was
very foolish and believe everything I told her. She was foolish enough to believe everything I told her. That orange was so sour that I could not eat it. This room is quite big. We can all get in. It's big quite far enough all to get in. I have got so fat that I can't wear this dress now. I have got too fat to wear this dress now. She was very clever and could solve any problem. She was clever enough to solve any problem. This battery is strong and should last 48 hours. This battery is strong and enough to last 48 hours. This novel is short that I can read it in a few hours. This novel is short enough to read in a few hours. I'm so excited that I can't think. I am too excited to think. Okay, this problem is so difficult that I can't explain it. This problem is too difficult to explain. You are quite old and you can travel alone. You are old enough to travel alone. The accident was so terrible that we can't talk about it. The accident was too terrible to talk about. You are so old that you could be my grandmother. You are old enough to be my grandmother. Okay, this fact is so clear that it needs no explanation. This fact is too clear to need any explanation. Okay, this exercise complete here. You have to solve in your book. Okay.